नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रैंकिंग पीडिया पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज एमटेक इन एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे और जानेंगे इसका एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, जॉब अपॉर्चुनिटी और फ्यूचर में आप इसमें कैसे करियर बना सकते हैं, इसका स्कोप क्या है। कोर्स का फुल नेम है मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। ये पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का कोर्स है। इस कोर्स में बेसिकली आप एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ की प्रोडक्शन मैनेजमेंट, उसकी एप्लीकेशन और उसकी फर्दर प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज करते हैं, इस पर डीपली स्टडी करते हैं। जानते हैं कोर्स के बारे में। कोर्स का लेवल पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का होता है और इसकी ड्यूरेशन होती है 2 ईयर्स। और अगर हम बात करें एग्ज़ाम की, एग्ज़ाम आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन टाइप की होती है। इसकी कोर्स फी है 30,000 से लेकर 75,000 रुपीज़ तक। अब जानते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। अगर आपने बी या बीटेक किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टेट यूनिवर्सिटी या नेशनल लेवल यूनिवर्सिटी से किया है विद मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स, तब आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जानते हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में। एडमिशन आपका मेरिट बेस्ड और एंट्रेंस एग्जामिनेशन टाइप से होता है। बात करें अगर एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, इसमें आपके कुछ स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर्म जाके उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर लें जो भी एग्ज़ाम करा रही है। दूसरा स्टेप है एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छे से फिल करें। एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना, इसे अच्छे से करें और इसी तरह आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाएगा। थर्ड स्टेप है एग्जामिनेशन फॉर्म को सबमिट करने के बाद एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर ले जब भी एडमिट कार्ड आपका रिलीज़ हो। फिफ्थ स्टेप है एंट्रेंस एग्ज़ाम में अपियर हो। जो भी आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया है, आपको उस एग्ज़ाम के लिए अपियर होना है। एग्ज़ाम की डेट आपकी एडमिट कार्ड में गिवन होगी। फिफ्थ स्टेप है आप जिस कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं एमटेक एग्रीकल्चर कोर्स के लिए, आपको उस कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा और आपको वहाँ पर अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन स्कोर को सबमिट करना होगा। फिर स्टूडेंट के एंट्रेंस एग्जामिनेशन स्कोर के बेसिस पे कॉलेज की साइट से मेरिट लिस्ट रिलीज़ होती है, कट ऑफ मार्क्स रिलीज़ होते हैं, तो आप उसको जाके चेक कर सकते हैं उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जिस कॉलेज में आपने अप्लाई किया है। अगर आपका नाम या रोल नंबर मेरिट लिस्ट में आ जाता है, फिर आपको पर्सनल इंटरव्यू राउंड के लिए अपियर होना होगा। कुछ कॉलेज आपके पर्सनल इंटरव्यू भी कंडक्ट करते हैं, उसके बेसिस पे वो एमटेक एग्रीकल्चर कोर्स के लिए एडमिशन लेते हैं। अब बात करते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की। नेशनल लेवल पे आपका गेट का एग्ज़ाम होता है। ये एग्ज़ाम आपका IIS और IIT कंडक्ट करती है। ये एग्ज़ाम बेसिकली आपका एमटेक स्पेशलाइजेशन कोर्सेज के लिए कंडक्ट होता है। बात करें अगर स्टेट लेवल की, स्टेट लेवल पे आपका PGCET एग्ज़ाम होता है। ये एग्ज़ाम आपका कर्नाटक एग्जामिनेशन अथॉरिटी कंडक्ट करती है पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स के लिए कर्नाटक एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स में। फिर आपका APPGCET एग्ज़ाम होता है एमटेक स्पेशलाइजेशन कोर्सेज के लिए। जो कैंडिडेट आंध्र प्रदेश स्टेट से बिलोंग करते हैं या जिन कैंडिडेट के पास आंध्र प्रदेश स्टेट का डोमिसाइल है, वो इस एग्ज़ाम के लिए अपियर हो सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं आंध्र प्रदेश कॉलेजेस के लिए। अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस आपका सेमेस्टर वाइज डिवाइडेड है, तो जानते हैं सेमेस्टर वाइज सिलेबस के बारे में। फर्स्ट सेमेस्टर में फूड केमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी, नर्सरी टेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री, अप्लाइड मैथमेटिक्स, फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिर आपका फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चरल मेटेरोलॉजी, फिर आपका आता है इंग्लिश फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये आपका सिलेबस है फर्स्ट सेमेस्टर का। सेकेंड सेमेस्टर में फूड इंजीनियरिंग पार्ट 1, क्रॉप फिजियोलॉजी, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, रेफ्रिजरेशन इंजीनियरिंग, फिर है प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल और प्रिंसिपल ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, फिर है इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल। ये सिलेबस आपका सेकेंड सेमेस्टर का है। थर्ड सेमेस्टर में फार्म पावर एंड मशीनरी, फूड प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ सीड प्रोडक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल इन एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, फिर है लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री प्रोडक्शन मैनेजमेंट, कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ स्पाइसेस एंड प्लांटेशन क्रॉप्स, बायोमास यूटिलाइजेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी मैनेजमेंट। ये सिलेबस आपका थर्ड सेमेस्टर का है।
फोर्थ सेमेस्टर में अप्लाइड स्टैटिक्स, फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस, फंडामेंटल ऑफ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, इंडस्ट्रियल विजिट ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल एंड फ्लोरिकल्चरल इंडस्ट्री, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ स्टॉक एंड एक्वाकल्चर फूड प्रोडक्ट्स प्रोसेसिंग, ये सिलेबस आपका फोर्थ सेमेस्टर का है। अब बात करते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में। आप कॉरपोरेट सेल्स मैनेजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसकी सैलरी होती है 6.3 लाख पर एनम। फिर है रिसर्च साइंटिस्ट, इसकी सैलरी है 5 लाख पर एनम। फिर है लेक्चरर या प्रोफेसर, इसकी सैलरी है 4.9 लाख पर एनम। फिर है फील्ड ऑफिसर, इसकी सैलरी है 3 लाख पर एनम। फिर है ब्रीडर, इसकी सैलरी है 3 लाख पर एनम। फिर है एग्रोनॉमिस्ट, इसकी सैलरी है 6.5 लाख पर एनम। फिर है फार्म मैनेजर, इसकी सैलरी है 3.9 लाख पर एनम। अब जानते हैं फ्यूचर स्कोप के बारे में। एमटेक एग्रीकल्चर में करने के बाद आप पब्लिक या प्राइवेट फर्म्स जैसे कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, रिटेल एग्रीकल्चर सेक्टर में जॉब कर सकते हैं। फर्दर आप PhD भी कर सकते हैं जिस स्पेशलाइजेशन कोर्स में आपने एमटेक किया है, आप उसमें हायर स्टडी के लिए जा सकते हैं। बात करते हैं टॉप रिक्रूटिंग कंपनीज़ की जो एग्रीकल्चरल इंजीनियर्स को रिक्रूट करती हैं। टॉप रिक्रूटिंग कंपनीज़ हैं ITC, अमूल डेयरी, मदर डेयरी, नेस्ले इंडिया, नाबार्ड, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ प्रोसेसर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नेशनल सीड कॉरपोरेशन। फिर है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ये हैं कुछ टॉप रिक्रूटिंग कंपनीज जो आपकी एग्रीकल्चर इंजीनियर्स को रिक्रूट करती हैं। दोस्तों, वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो में हमने जाना एमटेक एग्रीकल्चर कोर्स के बारे में, आप एमटेक एग्रीकल्चर कोर्स कैसे कर सकते हैं, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है, सिलेबस क्या होता है। फर्दर हमने जाना टॉप रिक्रूटिंग कंपनीज़ के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी कर दें और लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ड्रॉप अ लाइक, लीव अ कॉमेंट और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।